नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया मैं बता दूं कॉपी किसको कर रहा है, दुबई यूएई को। जी हाँ साथियों, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में सबसे लेबर लो के मामले में, टूरिज्म के मामले में, एक्स वाई जेड किसी भी मामले में यूएई दुबई नंबर वन चल रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज की इनकी भी होड़ कर रही हैं ताकि गल्फ में। तो सऊदी के आपको पता है जो जो राजकुमार हैं, आपको पता है युवा बंदा है, तो उनकी सोच भी फिर युवा है, तो वो थोड़ा नए कानून बदलाव करता जा रहा है, बहुत सारे नए कानून किए हैं। उनका विजन है 2030। जी हाँ साथियों, 2030 को दुबई को, सऊदी को नंबर वन टूरिज्म में मान लो, या फिर बिजनेस में मान लो, या फिर इन्वेस्ट में मान लो, या फिर वर्करों में मान लो, हर चीज में वो टॉप पे लेके जाना चाहता है सऊदी अरबिया को। इसके लिए वो बार बार कुछ न कुछ अपडेट करते रहते हैं। अभी ये जो अपडेट आया है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इस अपडेट को आए महीना भर हो चुका है, मैं वीडियो टाइम नहीं होने की वजह से नहीं डाल पाया, लेकिन अभी आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर देता हूँ कि सऊदी अरब में जो कामगार हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं बता दूं, सऊदी में सबसे ज्यादा वर्करों का शोषण होता था। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले और आप सब लोगों को बताइए, लेकिन अभी भाई सऊदी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, वहां के राजा साहब ने, हम तो बोलेंगे कि वर्करों की हित के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कानून बना दिए कि अब वो कहीं पर भी कैसे भी काम कर सकता है, कैसे भी रिस्पॉन्सर चेंज कर सकता है, जॉब चेंज कर सकता है, वीजा चेंज कर सकता है, वगैरह वगैरह, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 8 पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये 8 पॉइंट ऐसे हैं कि ये कारण अगर आपके साथ घटित होते हैं तो आप 100% बिना किसी अपने रिस्पॉन्सर को, कंपनी को, अपने मालिक को, रबाब को बोले हुए अपना वीजा, अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप वीडियो पूरा देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड नई रोज आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट रीजन, फर्स्ट कारण। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में है, छोटी मोटी कंपनी है, ठेकेदार है, वर्कर है, उसने आपको बुला लिया, उसके पास ठीक है, उसने आपको बुला लिया, उसके पास कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझ गए, कंपनी है उसके पास लेकिन उसके साथ कहीं कॉन्टेक्ट ही नहीं है। आज वो 2 दिन यहाँ आपको भेज रहा है, 2 दिन वहां भेज रहा है, 4 दिन वहां पे काम करवा रहा है, मतलब इस तरह जैसे हम गांव में लोग मजदूर करते हैं ना, काम 2 दिन इसके खेत में, 4 दिन उसके खेत में, इस तरह से अगर कोई रिस्पॉन्सर, कोई कॉन्ट्रेक्टर, कोई कंपनी, कोई मालिक आपको काम करवाती है तो आप 100% अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। ये आपको बाकायदा सऊदी लेबर लॉ में आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है जो 2021 मार्च से लागू होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर सेकंड रीजन ये हो सकता है, दूसरा रीजन, कि मान लीजिए किसी कंपनी वर्कर आप रिस्पॉन्सर या फिर अपने मालिक के पास काम कर रहे हैं सऊदी अरबिया में, और वो आपको 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं आपको तनख्वाह नहीं दे रही है। बहुत सारे इतने ऑप्शन, इतने मैटर आते हैं कि सर 6 महीने से कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, 7 महीने से बैठे हैं, 4 महीने से बैठे हैं। अभी सऊदी सरकार लेबर लॉ बना दिया कि भाई आपको अगर 3 महीने से तनख्वाह रेगुलर नहीं मिल रही है, 3 महीने हो चुके हैं तनख्वाह नहीं मिली है, तो आप बाकायदा अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको इस बात की पूर्णता अधिकार दिया गया है। 2021 मार्च से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बढ़ते हैं 3 नंबर पॉइंट की तरफ। एक बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि कंपनी किसी भारी व्यक्ति की है, ठेकेदार है या रिस्पॉन्सर है आपका, अरबी है, उसके कुछ रीजन हो जाता है, लंबी यात्रा पे चला जाता है, 6 महीने के लिए जी गया वो दूसरे देश में, या उसके कोई मौत हो जाती है, या फिर कुछ भी रीजन हो जाता है, या फिर आपका मालिक जेल चला गया, तो भाई आप 10 20 50 वर्कर हो, उनका क्या होगा? तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए ना, कि आपका मालिक तो है ही नहीं, 6 महीने से आप बैठे हो वहां पे, आपके पास काम भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस स्थिति में आप अपना जॉब, प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, बाकायदा इसमें ऑप्शन दिया गया है मार्च 2021 से। जी हाँ, 4 नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे ठेकेदार, कंपनी मालिक या रबाब वगैरह होते हैं, एक बार आपका वीजा लग गया, इकामा जिसको बोल सकते हैं, इमिरेट्स आईडी पे आप दुबई में जैसे बोलते हैं, आपका वीजा खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन वो आपका वीजा रिन्यू नहीं करवा रहा है, तो इस आधार पे भी आप अपना वीजा चेंज करवाने के साथ अपना जॉब भी चेंज करवा सकते हैं मार्च 2021 से, 4 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट की हम साथियों बात करेंगे। आपको पता चलता है, आप उसके पास काम कर रहे हैं 6 महीने से, साल भर से, ठीक है, आपको पता चलता है कि यार इसके पास लाइसेंस तो दूसरा है, काम दूसरा करवा रहा है, या फिर फ्रॉड में कर रहा है, लाइसेंस फ्रॉडिंग का काम हो जाता है ना कई बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास छोटी गाड़ी का लाइसेंस है, मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, तो जब तक मैं आरटीओ मुझे पकड़ेगा नहीं मैं चलता रहूंगा, लेकिन जब आरटीओ मुझे पकड़ेगा तो फाइन तो लगेगा ना, तो सेम कंडीशन इसमें भी होती है। तो अगर इस तरह की दुर्घटना आपके साथ इस मैटर में होती है 5 नंबर पॉइंट में, तो आप उसको बिना बताए बिल्कुल आप अपना रिस्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, वीजा चेंज कर सकते हैं, अपना काम आप दूसरी जगह ढूंढ सकते हैं, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। जी हाँ साथियों, आप बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट की तरफ। कई बार ऐसा होता है
कि आप जिसके पास काम कर रहे हैं वो पहले से ठग है, ठगोरा है, तस्करी है, गलत काम करता है, सब कुछ जो गलत काम होते हैं वो सब कुछ करता है, लेकिन वो कंपनी है उसके पास, सर गलती से आप उसके पास जॉब पे पहुंच गए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप वहां सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, ये एक बहाना मिल सकता है, आपको प्रूफ होना चाहिए कि ये गलत काम करता है, आपके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए। सो उस आधार पे आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, बिना उनको बताए अपना रिस्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, इस बात की आपको आजादी दी गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज है। 7 नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे साथियों। 7 नंबर पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है कि मान लीजिए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप किसी ठेकेदार के पास हैं, रबाब के पास हैं, या रिस्पॉन्सर आपका छोटा है या बड़ी कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ आपकी यूं हो जाती है, यानी आपकी लड़ाई हो जाती है किसी भी मैटर पे, या आपका डिस्प्यूट हो जाता है, आपके विचार नहीं मिलते, वो आपको धमकी देता है, आप उनको धमकी देते हो, आपका मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, उस स्थिति में भी मान लीजिए आपका मालिक, आपका रिस्पॉन्सर वो कोर्ट में नहीं आता वगैरह वगैरह, उस स्थिति में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, ये आपको अच्छा ऑप्शन एक दिया गया है। जी हाँ साथियों, 8 नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे साथियों, इसमें एक अच्छा ऑप्शन कंपनी की तरफ से, रिस्पॉन्सर की तरफ से भी दिया गया है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी कंपनी बोल देती है भाई ये एनओसी ले, हमें कोई एतराज नहीं, तू जहां मर्जी काम कर ले, ठीक है, या आपका मालिक बोल दे, रबाब बोल दे, दुबई में ऐसा होता है जिसको फ्रीलांसर वीजा भी बोल देते हैं, आजाद वीजा भी बोल देते हैं, वो सेम ऐसा ही होता है कि भाई वीजा मेरा है, ठीक है, मेरी कंपनी का तू वर्कर है, लेकिन हम तुझे एनओसी देते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तू जहां मर्जी काम कर ले, उस स्थिति में भी आप उनको अलग काम कर सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो भाई ये 8 कानून मैंने आपको बताए हैं, ये आपके ऊपर 100% लागू हो जाएंगे इन सऊदी लेबर लॉ, जी हाँ, 2021 इन मार्च में। जी हाँ, तो मार्च तक का आपको वेट करना होगा, मार्च तक तो वैसे भी भाई कोविड चल रहा है तो इसमें इतना कोई कानून प्रभावी होगा नहीं, मार्च से साल स्टार्ट होती है, फाइनेंशियल ईयर मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2021 में, तो वहां से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई नुकसान होगा, 100% आपको फायदा होगा, और इसमें एक प्लस पॉइंट आपको ये हो जाएगा कि कंपनियां कान पकड़ेगी आपके सामने, कंपनी आपकी जियो जूरी करेगी, आपको जो सऊदी लेबर लॉ में जो आपके अधिकार है उनको फॉलो करना उनकी मजबूरी हो जाएगा। जी हाँ, अगर उनको लगता है कि हम फॉलो नहीं करेंगे तो वर्कर को ये अधिकार है कि वो अपना पासपोर्ट लेके दूसरी जगह जॉब कर सकता है, और कंपनी रबाब वगैरह उनकी कुछ भी वो नहीं कर पाएंगे, वरना तो आपको पता है पासपोर्ट नहीं देना, लोगों को बिठा लेना, उनको वीजा का पैसा मांगना, बहुत सारे रीजन हो जाते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे, आपकी सेवा उनको अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, जो आपका अग्रीमेंट है, आपकी तनख्वाह, आपका मेडिकल, आपका इंश्योरेंस, आपका न्यू बोनस, आपकी टिकट वगैरह, आपका जो भी वर्क इन हाउस यानी जॉब वगैरह, जो भी उनका टाइम वगैरह होगा, पूरा उनको सेटिंग तरीके से, सही तरीके से उनको आपके साथ फॉलो करना होगा, अगर नहीं करेगा तो उनको पता है कि मान लीजिए मेरे पास 100 वर्कर है, मैं उनके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं करूंगा तो 100 के 100 फुर, तो मेरे तो मैं तो हो गया ना बर्बाद, तो मेरे से ज्यादा आपका ध्यान रखूंगा, तभी आप मेरे पास काम करोगे, मेरे साथ सेटिंग करके रहोगे, तो मुझे भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो ये सऊदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है, बहुत अच्छी बात, हालांकि दुबई में तो ये पहले से था लेकिन इतना प्रभावी नहीं है, कंपनियां मतलब हरामीपन दिखा देती हैं, लेकिन ये अच्छा है भाई, आप लोगों के काम आएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी पता लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।